दोस्तों औरंगाबाद के इलोरा केव्स में स्थित कैलाश टेम्पल वर्ल्ड का बहुत ज्यादा यूनिक और मिस्टीरियस टेम्पल है और ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको पूरा पहाड़ काट के बनाया गया है और इसमें से निकला हुआ 4,00,000 टन पत्थर कहाँ पे डिस्पोज किया गया वो आज तक किसी को पता नहीं चला। जहाँ पे वर्ल्ड के आर्किटेक्चर कटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए थे वहीं पे कैलाश टेम्पल वर्ल्ड में इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि कटआउट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और इसको बनाने के लिए ऊपर से नीचे तक कार्विंग की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। 8वीं सदी में बना ये टेम्पल कहा जाता है कि 7,000 वर्कर्स को 18 साल तक कंटिन्यूस काम करते हुए बनाया गया है। थोड़ा मैथ्स कैलकुलेट कर ले तो 4,00,000 टन पत्थर अगर 18 साल में निकाला गया है तो हर साल इसमें 22,222 टन ऑफ पत्थर निकाला गया है और पर डे के हिसाब से ये 60 टन होता है और पर आवर के हिसाब से ये 5 टन होता है। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि 5 टन के पत्थर को कार्विंग करके निकालना उस जमाने की टेक्नोलॉजी की मदद से और वो पत्थर को कहीं दूर पे डिस्पोज करना और आज की टेक्नोलॉजी को भी मिलाते ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहाँ पे कैलाश टेम्पल एंशियंट है लेकिन वो एडवांस भी था क्योंकि इसमें पाए गए ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन स्टोरिंग एरियाज और बहुत सारे मिस्टीरियस पाथ्स जो कि ओपन होते बहुत अलग अलग जगह पे और ये सोचने के लिए मजबूर कर दे कि हम इतना एडवांस होने के बावजूद भी एंशियंट टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर पा रहे। और इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या ह्यूमंस ने ही ये टेम्पल को बनाया या फिर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ने इसे क्रिएट किया गया है। कैलाश टेम्पल के एक और महाभारत का कार्विंग किया गया और दूसरी तरफ का पूरा रामायण का कार्विंग किया गया है और इसमें इतने डिटेल्स छुपे हुए कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इसे टोटली डिकोड नहीं कर पाए। और ये कैलाश टेम्पल इतना स्ट्रांग है कि इसको डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि औरंगजेब ने 1682 में इसे तोड़ने के लिए ट्राई किया था अपने बेस्ट 1000 सोल्जर्स को लगा के, फिर भी ये बहुत ही कम डैमेज कर पाए थे और लास्ट में हार मानकर औरंगजेब ने अपने सोल्जर्स को वापस बुला लिया था। सिर्फ इतना ही, कैलाश टेम्पल के ऊपर लगा हुआ एक्स का निशान स्पेस में से भी दिख सकता है। तो क्या कोई एडवांस सिविलाइजेशन के लिए ये एक्स का निशान बना रहे जो कि वो स्पेस में से भी देख के यहाँ पे लोकेट कर सके? और कैलाश टेम्पल का इंस्पिरेशन लिया गया था कैलाश माउंटेन से और ये बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकली मिलता है। तो आपके क्या विचार है कि क्या ह्यूमंस ने कैलाश टेम्पल को बिल्ड किया था या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।